हेलो एवरीवन, दिस इज़ अज़ीज़ा एंड वेलकम टू ऑल इन माय किचन, अज़ीज़ा की रसोई। आज मैं आप सबके सामने लेकर के आई हूँ रिच एंड क्रीमी शाही मटर पनीर की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बहुत जल्दी ये बन करके तैयार होती है, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये शाही मटर पनीर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून देसी घी ले रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ, ताकि इससे रिफाइंड तेल डालने से जो घी है वो जलता नहीं है। और यहाँ पे मैं 8 से 10 में यहाँ पे काजू ले रही हूँ, उसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें हम रफली चॉप अनियन डाल रहे हैं, 2 स्मॉल साइज़ का, आप चाहे तो बड़ा एक डाल सकती है। और फिर 1/2 इंच का हम जिंजर ले रहे हैं, और 10 से 12 कली हम लहसुन का ले रहे हैं। उसे डाल करके हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, ताकि इसका जो भी कच्चापन है ना वो निकल जाए। इसके बाद यहाँ पे हम 2 हरी मिर्च डालेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है हरी मिर्च से। इसे डालने के बाद थोड़ी चलाएंगे। उसके बाद भी हम 4 छोटे साइज़ का टमाटर ले रही हूँ, उसे भी रफली चॉप कर ली हूँ, और यहाँ पे 1/4 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। टमाटर डालने के बाद हम नमक डालेंगे, और इसे डालने के बाद अच्छी तरह से इसे हम चला लेंगे, और चलाने के बाद ढक्कन ढक करके हम थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन खोल करके हम देखेंगे, जब हमारा टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इसे अच्छी तरह से निकाल करके एक बॉल में ठंडा करके इसे फाइन पेस्ट बनाएंगे। और तब तक हम दूसरा कढ़ाई लेंगे। दूसरे कढ़ाई में हम 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, उसके बाद हम 1 टीस्पून क्यूमिन सीड डालेंगे, और 1 इंच का हम सिनेमम डालेंगे, दालचीनी, 2 पीस यहाँ पर क्लोव ले रही हूँ मैं, लौंग, और 2 में इलायची ले रही हूँ। इसे डाल करके इसे चटकने देंगे। जब ये चटक जाएगा तब इसमें हम 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून टर्मरिक, और 2 टेबल स्पून हम कोरिएंडर पाउडर डालेंगे। इसे डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद जो हमारा मिक्सचर था, हमारा जो मसाला था, उसे हम इसमें डाल देंगे। इसे हमें अच्छा सा फाइन पेस्ट बनाना है, और मसाला डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और ढक्कन ढक करके तेल छोड़ने तक का इसे हम पकने देंगे। जब थोड़ी देर में तेल जब छोड़ देगा, हल्का सा सेपरेट तेल जब तले में नज़र आने लगेगा, तब यहाँ पे मैं 500 ग्राम ग्रीन हरी मटर ले रही हूँ, ये फ्रेश हरी मटर है, उसे ले रही हूँ। उसे डालने के बाद इसे हम चलाएंगे अच्छी तरह से, और फिर यहाँ पर मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। नमक अपने टेस्ट के अनुसार आप ले सकती हैं। और फिर डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं फ्रेश क्रीम ले रही हूँ, 1/4 कप, और आप चाहो तो यहाँ पर घर की जो मलाई होती है उसे भी यूज़ कर सकती हैं। और फिर डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। इससे इसमें रिचनेस आती है, और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप पानी डालेंगे तो उतना इसका टेस्ट नहीं आएगा, जितना दूध डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और बाद में फिर हम इसमें 2 टेबल स्पून ड्राई कसूरी मेथी पाउडर जो होता है उसे डालेंगे, हल्का सा रोस्ट कर ली हूँ, और उसके बाद डालने के बाद चला लेंगे। और यहाँ पे मैं 600 ग्राम मलाई पनीर ले रही हूँ, आप कोई सा भी पनीर यूज़ कर सकती है, मलाई पनीर से ना टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और इसे डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद फिर इसमें हम 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद इसको हम ढक्कन ढक करके थोड़ी देर के लिए हम इसे 5 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे, ताकि जो भी मसाला है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। इस तरह से जैसे कि आप वीडियो में देख रही हैं, तेल में छोड़ दिया है, तो इसका मतलब कि हमारा जो पनीर है वो बन करके तैयार हो चुका है। और लास्ट में हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे, कोरिएंडर लीफ डालेंगे, और इसे डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद फिर गैस के फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद ये रहा हमारा फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ना कि इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बन करके ये शाही मटर पनीर बन करके तैयार होती है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप एक बार ज़रूर बनाएं, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।